कुछ अशुभ होने वाला है जिससे खतरा है हमारे साम्राज्य को। कई सालों से सैक्सन और डेन के लोगों के बीच शांति थी, कुछ बदल गया है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमंगलता हैरान रह जाती है। उमंगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन कर
करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकापोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानु को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरोषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में
सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में मम्मीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वे है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावक रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है, तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम उस क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरोषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में।
राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमंगलता हैरान रह जाती है। उमंगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है, लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है, तो वह अपनी सेना और सभी रानियों
के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानो को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानो मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई, जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपने विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साथी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है
कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है, वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बारिश वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप, चिंतित, बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को, उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानू मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरशपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरशपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार, आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन, काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है।
बताया। वकाला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वकाला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुण के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में मम्मीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावक रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू
कुसुम लता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंग लता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं, और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है। और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है, लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैंड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है, तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानु को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है।
जिसने अपने प्यारे नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वे है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं।
रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम उस क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानू मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि
महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकापोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचे और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानो को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है।
काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है। और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई, जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपने विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचे और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है, तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोशपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित कर
करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है। जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं, और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है। और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है, लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साथी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुण के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनताराजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में मम्मीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वे है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है।
बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है, लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं।
रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानो को, उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानो मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोष कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया। जबकि
महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकापोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावक रात में भद्र प्रताप चिंतित और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम उस क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरोषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है।
काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा कला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है। और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई, जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानो को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित
करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है। जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं, और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है, और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचे और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है, तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है।
बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है, लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साथी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुण के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में मम्मीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वे है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं।
रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम उस क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानो को, उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानो मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि
महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावक रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचे और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानु को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है।
काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा कला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है। और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई, जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपने विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में मम्मीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वे है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावक रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम उस क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरोषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित कर
करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमंग लता हैरान रह जाती है। उमंग लता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है। जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंग लता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं, और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है, और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है, और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं, और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानो को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है।
बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है, लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आज़ादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बेचैन
डेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को, उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानू मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है, जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साथी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो कि राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई।
यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकापोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरुषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है, जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है।
काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा कला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है। और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंद में रात बिताई, जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपने विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनता राजो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में ममीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वह है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावह रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था। कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानु को उसके प्रेमी उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि भानु मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है। बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरोषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है। पौरोषपुर वेब सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राज्य के कुलगुरु महाराज भद्र प्रताप अपनी छठी रानी उमंगलता से विवाह कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, लेकिन भयभीत भी है कि यह नई पत्नी भी पहले की तरह गायब हो सकती है। महारानी आश्वासन देती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और राजा के विवाह का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बोरिस नामक व्यक्ति आता है जो राजा के लिए परेशानी का कारण बनता है। जश्न में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है। पहली रात राजा को नई रानी से ठगा हुआ और परेशान महसूस होता है और उसे प्रताड़ित
करते हुए देखा जाता है। मानसिक व्यवहार से उमांगलता हैरान रह जाती है। उमांगलता रानी से पीड़ित होने का विरोध करती है, जिस पर मीरावती यह कहकर निराश हो जाती है कि यह अब तुम्हारा भाग्य है। जबकि दूसरी ओर मीरावती को अपनी ही बहू कुसुमलता द्वारा इस पूरी योजना में लगभग मास्टरमाइंड बताकर घेर लिया जाता है। राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में महिलाओं के लापता होने का रहस्य एक रहस्य है, और जब एक नकाबपोश को राज्य में प्रवेश करते देखा जाता है तो महल में बेचैनी की भावना पैदा होती है। रानी उमंगलता का महल से अपहरण कर लिया जाता है। भद्रसेन गुस्से में है और हर कीमत पर अपराधी को जानना चाहता है। राजकुमार आदित्य और नृत्य गुरु एक दूसरे की संगति में सांत्वना पा रहे हैं, और आदित्य अपनी पत्नी कुसुमलता की तुलना में अपने यौन साथी के रूप में अधिक सहज महसूस करते हैं, जो अपनी दासी कामाक्षी की बाहों में खुश है। जबकि मीरावती को पता चलता है कि उनकी पसंदीदा दासी कला उनके साथ है। वह अपने बेटे रणवीर से प्यार करती है और वह इस रिश्ते को पनपने नहीं दे सकती, इसीलिए वह काला की शादी राजा भद्र प्रताप से कराने की साजिश रचती है, जिससे काला को पता नहीं चलता और वह रानी की मांग के आगे झुक जाती है। काला तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी रणवीर के बजाय महाराजा भद्र प्रताप से हुई है, लेकिन राजा काला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश है, और उस रात उसने काला के साथ कई वर्षों के बाद एक आनंदमय रात बिताई। जबकि काला टूट गया है लेकिन दासी बनने से इनकार नहीं कर पाती। बोरिस को अपनी विश्वास पात्र माया से राज्य में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पता चलता है। अगली सुबह जब भद्रसेन काला और उसके बेटे रणवीर को अतरंग स्थिति में देखा जाता है तो आनंदित हो जाता है और इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता है। वह काला को उसकी ही साधी महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से मार डालने का आदेश देता है, लेकिन अंतिम समय में नकाबपोश द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है, और उसी समय रणवीर भी महल से गायब हो जाता है। मीरावती अपने बैड पार्टनर नृत्य गुरु के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती नजर आ रही है। भद्रसेन अपमान सहन करने में असमर्थ है और अपने लोगों को हर कीमत पर काला को खोजने का आदेश देता है, और इस बार वह काला के पाए जाने पर दोबारा शादी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। दूसरी ओर हम पड़ोसी राज्य सोनपुर के राजा विजय सिंह को अपने विश्वास पात्र त्रिकुंड के साथ बैठे हुए देखें, जो अपने पत्थरों द्वारा ग्रह सौर मंडल में कुछ हलचल की भविष्यवाणी कर रहा है। बातचीत रहस्यमय है। रणवीर एक गंदे और रानी नयनतारा जो की राजा भद्र प्रताप की पूर्व पत्नी थी, एक पवित्र कमरे में मम्मीकृत अवस्था में पाकर स्तब्ध रह गई। यहाँ भद्र प्रताप अपने लापता बेटे रणवीर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तभी बोरिस उनसे भिड़ते हैं और सवाल करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अनुष्ठान क्यों नहीं किया, जबकि महल की महिलाओं ने ऐसा किया था। लापता हो गया राजा बोरिस से हार जाता है और उसे गाली देता है। वास्तव में इस ग्रह पर उसके अस्तित्व के लिए उसे डांटता है। बोरिस हिल गया है। यहाँ काला का एक नई जगह पर जागता है और उसे पता चलता है कि यह बोरिस राजवंश है और माया उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर आधी रात को नकाबपोश को राजा के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। हमें तब पता चलता है कि यह बड़ा बेटा आदित्य है, जो अपने ही पिता की हत्या करने आया है। भानु आदित्य को सांत्वना देता है, जो अपने ही पिता को मारने वाला था, जिस पर आदित्य यह कहते हुए विरोध करता है कि मुझे पत्नी कुसुमलता को साबित करना होगा कि मैं एक आदमी हूं और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता हूं। काला दुखी और एक बार रणवीर के पास पहुंचना चाहती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है, और यह जानकर हैरान हो जाती है कि महल से गायब हुई सभी रानी वास्तव में बोरिस वंश की है। और हमें यह जानकर और आश्चर्य हुआ कि वे है इस क्षेत्र में बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें अपने यौन सुख सहित अपने जीवन में चुनाव करने की पूरी आजादी है। वही महल में रणवीर राजा के पास लाए जा रहे हैं, एक बड़े बक्से में बेहोश पाए जाते हैं, और सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि रणवीर ने रानी नयनतारा को एक अज्ञात जगह पर देखा था। उस भयावक रात में भद्र प्रताप चिंतित बैचेन और अन्य सभी लोग अपनी अपनी यात्राएं ढूंढते हुए पाए जाते हैं। रानी मीरावती को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही है। पूरी प्रजा चिंतित है और समझ नहीं पा रही है कि हम मीरावती को क्यों सजा दी जा रही है। इसका कारण कोई नहीं जानता। जब तक हम पिछली कहानी में नहीं जाते, जहां रानी मीरावती ने नयनतारा के मृत शरीर को इस चारे का उपयोग करने के लिए बचाया था, कुछ बिंदु उसकी शक्ति और स्थिति का पता लगाने के लिए है। यह भी पता चलता है कि मीरावती सभी रानियों को बचाने और उन्हें अपने वेश्यालय में आश्रय देने के लिए बोरिस के पास गई थी। इधर बोरिस को जब पता चलता है कि मीरावती को फांसी दी जा रही है, तो वह अपनी सेना और सभी रानियों के साथ महल की ओर चल पड़ा। रानी मीरावती को फांसी दी जाने वाली है। हम उस क्षण का निर्माण करते हैं जैसे कि वह मारी जाने वाली है। बोरिस अंदर आता है और मीरावती को बचाता है। वह राजा और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। बोरिस और चंद्रसेन के बीच लड़ाई होती है और सेनापति ने राजा को बचाने की कोशिश की। बोरिस मीरावती को बचाता है और सभी महिलाएं राजा को मारने के लिए मीरावती के साथ शामिल हो जाती है। महाराजा भद्रसेन को दंडित करने के लिए मीरावती और अन्य महिलाओं ने घेर लिया। इस बीच बोरिस बानू को उसके प्रेमी, उसके साथी और उसके जासूस को ढूंढने जाता है, जिसे उसने इस महल में सभी लोगों की हर गतिविधि को जानने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह एक दिन राजा को गद्दी से उतार सके। बोरिस तब टूट गया जब उसे पता चला कि बानू मर चुका है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीरावती ने की है।
बोरिस उस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। वह मीरावती को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके बजाय आदित्य उस पर हमला कर देता है। राजा को दीवार में जिंदा दफनाए जाने के बाद महिलाओं के बीच जश्न मनाया जाता है। बोरिस गिर गया है और हम बताते हैं कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वीर सिंह है, जिसने अपनी प्यारी नयनतारा को खो दिया था और पौरुषपुर साम्राज्य को नष्ट करने के एजेंडे के साथ आया है। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट बालाजी पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑल्ट बालाजी का सब्सक्रिप्शन है।